गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में प्राचीन काल में सोपारा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सोपारा एक स्थल था और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोपारा एक बंदरगाह था। ठीक है, कई बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों को देखना चाहिए। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो देखिए, पढ़ते हैं, प्राचीन काल में सोपारा क्या था। महाराष्ट्र के ठाणे अर्थात थाना जिले में स्थित यह स्थल प्राचीन काल में पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो इसकी दिशा पूछ लेते हैं कि भाई सोपारा वो पश्चिम में था, दक्षिण में था, उत्तर में था, पूर्व में था। तो यह है पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसका नाम सुपारक भी मिलता है। वर्तमान में सोपारा नाला सोपारा नामक उपनगर के पास स्थित है। सॉरी प्राचीन काल में यह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा नगर था, जहां से मेसोपोटामिया, मिस्र, कोची, अरब तथा पूर्वी अफ्रीका में व्यापार होता था। इसका प्राचीन नाम सुरपारक है। महाभारत में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। मौर्य शासक अशोक का एक शिलालेख यहाँ से मिलता है। सोपारा का अभिलेख भारतीय ब्राह्मी लिपि में है। इसी ब्राह्मी से वर्तमान देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, जबकि अशोक के अन्य अभिलेख जैसे शाहबाज गढ़ी तथा मानसेरा के अभिलेखों में ब्राह्मी में न होकर खरोष्ठी में हैं। सोपारा स्तूप में बुद्ध और साथ में एक अन्य बौद्ध भिक्षु की मूर्ति भी मिलती है। जिस प्रकार दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर ईसा पूर्व से ही मुजरिस, कोडुन, गलूर विदेश व्यापार के लिए ख्याति प्राप्त बंदरगाह रहा, उसी प्रकार उत्तर भारत के पश्चिमी तट पर उसी कालक्रम में सोपारा भी भारत में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है था। इस बंदरगाह का संपर्क विभिन्न देशों से रहा। सोपारा को सोपार का, सुरपर का जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन अपरांता राज्य की राजधानी होने का भी गौरव सोपारा को प्राप्त है। कदाचित बाइबिल में उल्लेखित भारतीय बंदरगाह ओफिर सोपारा ही था। बौद्ध साहित्य महावंश में उल्लेख है कि श्रीलंका के प्रथम राजा विजय ने सपारका से श्रीलंका के लिए समुद्र मार्ग से प्रस्थान किया था। प्राचीन काल में सोपारा से नाने घाट, नासिक, महेश्वर होते हुए एक व्यापार मार्ग उज्जैन तक आता था। इस बात की पुष्टि नाने घाट में सातवाहन वंशीय राजाओं के शिलालेख से होती है, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हावी हो गए थे। सोपारा इनके अधीन आ गया था। शक सातवाहन युग में इस नगर का व्यापारिक महत्व बहुत बढ़ गया था। दिव्यावदान में इसे वाणिज्य का बड़ा केंद्र बताया गया है, जहां व्यापारिक अपने माल के साथ भरे रहते थे। यहां से जहाज में बैठकर लंका तथा सुवर्ण भूमि तक पहुंचा जाता था। यहां से श्रावस्ती को एक सीधा मार्ग जाता था। सोपारा की मंडी कल्याण थी। यूनानी रोमन लेखकों ने भी इस बंदरगाह की महत्ता का संकेत दिया है। यहां से सौदागर यूनान तथा रोम आते जाते थे। पेरिपल्स से पता चलता है कि भृगु कच्छ तथा सोपारा में व्यापारिक जहाजों को उतारने के लिए होड़ लगी रहती थी। यदि कोई विदेशी जहाज सोपारा पहुंचता था तो उसे भृगु कच्छ के रक्षक बलपूर्वक वहां ले जाते थे। अरब सागर का तटवर्ती बंदरगाह होने के कारण सोपारा पश्चिमी देशों को जाने का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, तो देखिएगा, ये सोपारा नामक बंदरगाह था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अतः वीडियो को बार बार देखें, याद करने की कोशिश करें और इसी प्रकार से बने रहें YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।